हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और आपको बता दूँ कि फ़ैन चल रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैंने अपने बालों को ओपन कर रखा है, इसलिए फ़ैन ऑन करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी मुझे लगने वाली है। बालों को ओपन मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं करने वाली हूँ हेयर ऑयलिंग। जी हाँ, आज वेडनेसडे का दिन है और वेडनेसडे को मैं हेयर केयर रूटीन फॉलो करती हूँ। तो क्या हेयर केयर रूटीन है मेरा, वो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड आपको बता दूँ, मैं वेडनेसडे को इसलिए लगाती हूँ क्योंकि थर्सडे पड़ता है। थर्सडे को मैं व्रत रखती थी बट भी नहीं रखती हूँ। तो थर्सडे को मैं हेयर ऑयल, हेयर वॉश वगैरह नहीं करती हूँ, तो थर्सडे को ये पॉसिबल नहीं हो पाता। एंड फ्राइडे को मैं हेयर वॉश करती हूँ, तो एक दिन पहले अगर बालों में ऑयल लगा लिया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फिर फ्राइडे के दिन इतना याद भी नहीं आता कि आधे घंटे पहले ऑयलिंग करो, तो मैं वेडनेसडे को ही अपना हेयर केयर रूटीन है उसे फॉलो कर लेती हूँ। तो क्या करती हूँ, क्या क्या चीज़ें करती हूँ, वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। दोस्तों, हेयर ऑयल की बात करें तो मेरे पास इतने सारे हेयर ऑयल हैं, मैं आपको दिखा भी नहीं पाऊँगी, बहुत सारे हेयर ऑयल हैं। बट आज जो मैं हेयर ऑयल यूज़ करने वाली हूँ थोड़ा डिफरेंट है। ये है 100% वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये है इंडस वैली का बाय ऑर्गेनिक, ये 100% वर्जिन है, 100% प्योर कोकोनट है। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है बालों के लिए। मैं कई दिन से इसको यूज कर रही हूँ, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा था, तो मुझे लगा आज की वीडियो में यही यूज करती हूँ। और साथ ही इसके सिर्फ मैं हेयर ऑयल ही नहीं लगाने वाली, एक चीज़ और हेयर ऑयल में मिलाकर अपने बालों में अप्लाई करने वाली हूँ, वो मैं आपको वीडियो के साथ साथ दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने बालों को ओपन कर लिया है, ठीक है, और मैं कंघी कर लेती हूँ। ये देखिए, अभी मैंने बालों में कंघी की थी ना, फिर भी मुझे बालों में कंघी करने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है, इतने जल्दी मेरे बाल जो हैं वो उलझ जाते हैं। मैं फटाक से कंघी कर लेती हूँ, बड़ा मुश्किल काम है बालों में कंघी करना, बाप रे, गर्मी से बिल्कुल परेशान हो गई हूँ। तो मैंने अपने बालों में कंघी कर ली है और कंघी करने के बाद मेरे बाल कुछ अच्छे लगने लगे हैं, पहले तो बड़े रफ नज़र आ रहे थे। तो मैं ऐसा करती हूँ, पहले कोकोनट ऑयल जो है बाय ऑर्गेनिक का, इंडस वैली का, आपको बता दें इसका रिव्यू वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल ग्लैम गर्ल में शेयर करूँगी, क्योंकि मैं वहाँ पर प्रोडक्ट रिव्यू शेयर करती हूँ जितने भी प्रोडक्ट मेरे पास हैं। कुछ प्रोडक्ट रिव्यू मैं यहाँ पर भी शेयर करती हूँ और कुछ प्रोडक्ट रिव्यू मैं वहाँ पर शेयर करती हूँ। तो इसका जो प्रोडक्ट रिव्यू होगा वो आपको मेरे दूसरे चैनल ग्लैम गर्ल में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर लगभग आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, एक अपने बालों की लेंथ के हिसाब से ले रही हूँ, दो तीन चार चम्मच ले लिया हूँ, मेरी चम्मच का साइज भी दो बड़ा छोटा है, ठीक है। अब मैं, आप चाहो तो ऐसे ही हेयर ऑयल कर सकते हो, हेयर ऑयलिंग कर सकते हो, बट इसमें मैं एक चीज़ और मिलाने वाली हूँ, ये है इंडस वैली का हेयर रिबॉन एलोवेरा जेल विद भिंगराज एंड वॉलनट ऑयल। दोस्तों, ये है एक तरह का जेल जिसे आपको ऑयल में मिलाकर लगाना होता है, आप ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन ऑयल में मिला के लगाते हो तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो दोस्तों, कोकोनट ऑयल हमारे बालों के लिए अच्छा होता है, बट उसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर दी जाए तो उसकी जो खासियत होती है वो और भी बढ़ जाती है। आप चाहो तो नॉर्मल एलोवेरा जेल जो भी है आपके साथ आप यूज कर सकते हो, बट ये स्पेशली बालों के लिए बना है, जो हमारे बाल झड़ रहे हैं उसको रोकने के लिए बना है और बालों से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर करता है। खासकर मेरे से फिजी हेयर को मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, तो मैं इसको यूज कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें भिंगराज है, एलोवेरा है, वॉलनट ऑयल है, यानी अखरोट का जो ऑयल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका भी रिव्यू वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल ग्लैम गर्ल में शेयर करूंगी, तो अभी से मेरा दूसरा चैनल जरूर विजिट कर लेना, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो एक बार जरूर, जिसे इस चैनल को आप बहुत प्यार करते हो ना, मेरे उस चैनल को भी उतना ही प्यार करना। तो मैं केवल एक चम्मच में ये एलोवेरा जेल ले रही हूँ, ठीक है, और इन दोनों को आप देख सकते हो, इन दोनों को आपस में मिक्स करके मैंने दोनों मिक्स कर दिया है। अब हमारी ये जो जेल क्रीम है वो तैयार हो गई है और इससे मैं करने वाली हूँ हेयर मसाज। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा उंगली में से लेंगे एंड मैं पहले ऐसे लगाऊंगी, ठीक है, इस तरह हम लोग बालों की, ठीक है, कि जड़ों में सबसे पहले हेयर ऑयलिंग करेंगे। अच्छे से हेयर ऑयलिंग करने वाली हूँ मैं आज।
वैसे आपको बता दूं, मैं वेडनेसडे एंड सैटरडे को ही हेयर ऑयलिंग करती हूँ, क्योंकि सैटरडे को करती हूँ तो संडे को मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ, एंड बुधवार को करती हूँ तो फ्राइडे को हेयर वॉश मैं कर लेती हूँ। अब मैं इस तरह एक क्रीम लेकर कुछ ऐसे हेयर ऑयलिंग करने वाली हूँ, ठीक है। इस तरह मैं अपने बालों में बिल्कुल हल्के हाथों से हमें करना होता है, ठीक है। हमारे बाल बहुत नाजुक होते हैं, उसे इस तरह रगड़ के मत करिए, जिससे बाल आपस में रगड़ते हैं हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं। तो मैं बता रही थी कि मैं वेडनेसडे और सैटरडे को हेयर ऑयलिंग करती हूँ। सैटरडे को करती हूँ तो संडे को हेयर वॉश करती हूँ, वेडनेसडे को करती हूँ तो फ्राइडे को करती हूँ, क्योंकि अगर आपने हेयर ऑयल लगा लिया और 3-4 दिन का अंतर रख लिया हेयर वॉश करने में, तो हेयर ऑयल थोड़ा सा चिपचिपा होता है। आप सबको पता है, कोई भी हेयर ऑयल लीजिए वो थोड़ा चिपचिपा होता है, इस पर गंदगी बैठ जाती है और वो गंदगी धूल मिट्टी हमारे बालों को डैमेज करती है। तो कभी भी हेयर ऑयल में बहुत ज़्यादा अंतर मत करिए, मतलब हेयर ऑयल लगाइए और हेयर वॉश करने में बहुत ज़्यादा अंतर मत रखिए, और हमेशा हेयर वॉश को सॉरी हेयर ऑयलिंग को इस तरह करिए, ठीक है। और अपनी जो एंड है बालों की है, वहाँ पर आप जरूर हेयर ऑयल को लगाइए, ठीक है। मेरे इस तरफ के हेयर ऑयलिंग हो गई एंड ये बाल रह गया है, इस पर भी मैं लगाऊंगी। अब मैं इस तरह हेयर ऑयल लगाने वाली हूँ, बिल्कुल सेम। और ये मेरा कम पड़ गया है, क्योंकि अंदाज नहीं मिलता कितने बालों पे अप्लाई होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा और अपनी क्रीम और ऑयल को मिलाकर हेयर ऑयल, हेयर क्रीम और कुछ भी कह सकते हो, मैं उसे तैयार कर लेती हूँ। तो मैं 1 चम्मच लगभग लेने वाली हूँ ये क्रीम, और 1 चम्मच लगभग ले रही हूँ ऑयल, थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ ताकि अच्छे से मेरे बालों में ऑयल लग जाए। दोस्तों ये कहाँ से मैंने परचेस किया, किस रेंज में मिला है, इसकी और क्या खासियत है इन दोनों चीज़ों की, हेयर ऑयल की एंड रिबॉन एलोवेरा जेल की, तो ये सारी खासियत आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगी जानना। तो ये सारी खासियत जानने के लिए आपको मेरा दूसरा चैनल ग्लैम गर्ल को एक बार विजिट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अच्छे से इसे अप्लाई कर लिया, आपने देखा कितने अच्छे से मैंने अपने बालों पे इसे अप्लाई किया। मैंने बालों को यूँ खींच कर, यूँ रगड़ कर हेयर ऑयल नहीं किया है। अगर आप रगड़ कर खींच कर करते हैं तो आपके बाल कमज़ोर हो जाते हैं। हमेशा बालों पे इस तरह आप अप्लाई करें, ठीक है। एंड हल्की सी, अभी थोड़ी सी बची है क्रीम, से लेकर उंगलियों में लेकर, तो मैंने इससे अप्लाई कर लिया, ये देखिए। अब मैं क्या करूँगी, अपने बालों को कस कर चोटी करने वाली हूँ। जी हाँ, मैं करने वाली हूँ आज तो चोटी। तो पहले मैं बालों पे कंघी कर लेती हूँ। दोस्तों जैसे खाना पीना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी तरह हेयर ऑयल भी करना हमारे बालों के लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हेयर ऑयल को कभी भी अवॉइड मत करिए, चिपचिपा ज़रूर होता है पर ये आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे ज़रूरी पोषक तत्व तो हमारे बालों की ग्रोथ करने के लिए, हमारे बालों में शाइन लाने के, हमारे बालों को मजबूत बनाने के लिए हमारे बालों को मिलते हैं। तो हमारे बालों को पोषक तत्व तो मिल सकें, इसलिए हमें हेयर ऑयल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं करने वाली हूँ 2 चोटी। दोस्तों अगर आप हेयर ऑयल करने के बाद 2 चोटी करते हैं ना कस के, जिससे आपके बालों की लेंथ जो है वो बढ़ती है, आपके बालों को जड़ों से मजबूती मिलती है। इसलिए हेयर ऑयल करने के बाद आप चोटी ज़रूर करें। अगर आपको 2 चोटी नहीं पसंद है, बहुत से लोगों को नहीं पसंद होती है, तो वो 1 चोटी कर सकते हैं, बट बालों को हमेशा बांध कर रखिए। बांध कर मतलब ये नहीं है कि आप बालों को एकदम कस कर रखिए, ठीक है। कस कर रहना तो किसी को भी पसंद नहीं होता, एकदम बांध कर हल्के हल्के से, पर थोड़ा सा आप टाइट बांधिए, बहुत ज़्यादा लूज मत बांधिए, ठीक है। एंड बैक की भी मैं मांग जो है वो निकाल लेती हूँ। ओके, अब मैं करने वाली हूँ
छोटी। अभी बाल में मैंने हेयर ऑयल लगाया है, साथ ही जेल लगाया है, इसलिए अब देखो मेरे बाल कितने ज़्यादा नजर आ रहे थे फूले फूले, वो बिल्कुल भी आपस में एकदम चिपक से गए हैं। ठीक है, इस वजह से मेरी छोटी अब पतली पतली नज़र आ रही है, वरना मेरी छोटी बहुत मोटी नज़र आती है। मैं दो छोटी में कैसे लगूंगी ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, एंड मैं करने वाली हूँ मेरी छोटी बनके तैयार हो गई है, अब दूसरी छोटी की बारी है। तो दोस्तों दो छोटी के साथ जो मेरा हेयर केयर रूटीन है वो कंप्लीट हो गया है। मैं यही हेयर केयर रूटीन सैटरडे को एंड वेडनेसडे को फॉलो करती हूँ अपने बालों के लिए। तो दोस्तों आप भी ये हेयर केयर रूटीन फॉलो कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल बहुत ज़्यादा सही हेयर केयर रूटीन है, और यही हेयर केयर रूटीन फॉलो करने से आपके बालों को मजबूती मिलती है। दोस्तों मैंने ये जेल अप्लाई किया है, ये जेल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे बालों के लिए फ़ायदेमंद हैं, जैसे है एलोवेरा है, भीमराज है, भ्रामरी है, हीना है, और लॉन्ग पेपर है, और मुल्तानी है, मुलेठी है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बालों के लिए फ़ायदेमंद है। और ये प्योर वर्जिन कोकोनट ऑयल ये भी अच्छा है, बट मैंने इसको अप्लाई किया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको यही अप्लाई करना है। अगर आप इसे नहीं लेना चाहते हो तो नॉर्मली आप कोई भी कोकोनट ऑयल या कोई भी हेयर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ध्यान देना प्योरिटी का। और हाँ दोस्तों, आपको याद दिला दूँ, इन दोनों प्रोडक्ट का रिव्यू आपको मेरे दूसरे चैनल ग्लैम गर्ल में मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसे ज़रूर विजिट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन होगी। तो दोस्तों आई होप ये जो मेरा स्किन केयर रूटीन है आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, और भी कोई मन में सवाल है तो आप उसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में जो घंटी है उसे बजा देना, घंटी के साथ जो ऑल का बटन आता है उसे भी क्लिक कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।